नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 20 अक्टूबर 2019, तो आज हम चर्चा करेंगे 20 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाली वीडियो में हमने आपसे पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कल वाली वीडियो का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है? तो इसका स्थान जो रहा है वह रहा दोस्तों 102वां स्थान। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है। इसमें टोटल 117 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से 102वां स्थान है वह भारत देश का रहा है। तो ये था दोस्तों कल वाली वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का स्थान है, उस घंटे के स्थान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 6वां गोल्डन शू अवार्ड जीता है? तो हाल ही में दोस्तों जो लियो मेसी हैं, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, लियो मेसी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6ठा गोल्डन शू अवार्ड जीता है। तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो लियो मेसी ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, तब बार्सिलोना के कैप्टन हैं, और बार्सिलोना टीम के कैप्टन लियो मेसी ने यूरोपीय लीग में शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान प्राप्त करके अपना 6वां गोल्डन शू अवार्ड जीत लिया है। दोस्तों मेसी ने 36 गोल किए हैं, जो उनके निकटतम चैलेंजर पेरिस के सेंट जर्मन के जो खिलाड़ी हैं कियान मलापे, उनकी तुलना में 3 अधिक हैं। मेसी 3 साल से लगातार ये अवार्ड जीत रहे हैं। दोस्तों मेसी के पास अब तक अपने महान प्रतिद्वंदी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुकाबले 2 और गोल्डन शू अवार्ड है, यानी रोनाल्डो से भी 2 अधिक गोल्डन शू अवार्ड लियो मेसी के पास में है। दोस्तों ये पुरस्कार 1967 में शुरू किया गया था, जब इसे यूसेबिया ने जीता था, और अभी इस वर्ष का जो जीता है वह दोस्तों लियो मेसी ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत की सबसे लंबी सुरंग चेन्नानी नासारी का नाम क्या रखा गया है? तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है, चेन्नानी नासारी सुरंग है, उसका नाम दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया है। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो ये फोटो में आपको ये सबसे लंबी जो सुरंग है वह सुरंग आपको दिखाई दे रही है, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं, वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, और वहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन लागू किया हुआ है। अब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों NH-44 पर भारत की सबसे जो लंबी सुरंग है, जो चेनानी नासारी के मध्य स्थित है, उसके नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.2 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था, यानी इसका उद्घाटन किया था। तो जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को 31 किलोमीटर तक कम कर देती है, और इस सुरंग का नाम है वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF फाइल अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारी इसकी वीडियो की PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में डबल सेंचुरी बनाने वाले युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में डबल सेंचुरी बनाने वाले जो युवा बल्लेबाज हैं उनका नाम है दोस्तों यशस्वी जायसवाल। तो यशस्वी जायसवाल इसका राइट आंसर हो गया। फोटो में आप यशस्वी जायसवाल को देख पा रहे हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो मुंबई के 17 वर्षीय यशस्वी जायसवाल हैं, ये दोस्तों वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाकर विश्व के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में मैच में अपनी पारी खेली। उन्होंने दोस्तों कर्नाटका के अल्लूर में झारखंड के खिलाफ 154 गेंदों में 203 रन बनाए, जिसमें 12 छक्के और 17 चौके शामिल थे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है, यह 17 अक्टूबर को मनाया गया है। तो 17 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो गया। अब इसके बारे में जानते हैं। तो 17 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द एरिडेशन ऑफ पॉवर्टी, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र ने 1993 से हर वर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाता है। ये दोस्तों विशेष रूप से विकासशील देशों में वैश्विक
स्तर पर गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता फैलाता है। और इस बार का 2019 का जो सब्जेक्ट था, इसकी थीम थी, विषय था, तो वह था दोस्तों एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रन देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू एंड पॉवर्टी। ये इस वर्ष की थीम थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला के 48वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले के 48वें संस्करण का उद्घाटन है यह ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा इसका राइट आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं दोस्तों, भारतीय हस्तशिल्प जो उपहार मेले का उद्घाटन करते हुए आपको इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं वस्त्र सचिव हैं रवि कुमार, इनके बारे में जानते हैं। तो वस्त्र सचिव रवि कुमार ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले के 48वें संस्करण का उद्घाटन किया है। दोस्तों मेले में 3200 से अधिक भारतीय प्रदर्शक भाग लेंगे और इस कार्यक्रम में 110 देशों के लगभग 110 विदेशी खरीदार भी भाग ले रहे हैं। इस मेले में दोस्तों प्रदर्शित उत्पादों में फर्नीचर, फैशन, जीवन शैली और वस्त्र शामिल हैं। और इस मेले का जो थीम रही है वह दोस्तों रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये इस वर्ष की थीम रही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह हाल ही में किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो हाल ही में दोस्तों किरण उनियाल है, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इनके बारे में जानते हैं। तो फोटो में आप किरण उनियाल को देख पा रहे हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो सर्टिफिकेट है उसके साथ में। अब इसके बारे में जानते हैं तो भारतीय सेना के कर्नल की पत्नी किरण उनियाल ने ताइक्वांडो में 3 मिनट में एक पैर से सबसे अधिक फुल कॉन्टैक्ट नी स्ट्राइक इन 263 स्ट्राइक घुटनों से मारना और 1 मिनट के एकांतर पैर से सबसे अधिक फुल कॉन्टैक्ट नी स्ट्राइक यानी 120 स्ट्राइक करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और उनका पिछला रिकॉर्ड 177 और 102 स्ट्राइक था जो उन्होंने तोड़कर अभी वर्ल्ड गिनीज बुक में उनका नाम में दर्ज हो गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है WGI संरक्षण में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो WGI जो संरक्षण हुआ है उसमें भारत का स्थान दोस्तों 82वां स्थान रहा है। तो 82वां स्थान इसका राइट आंसर हो गया। अब ये WGI संरक्षण क्या है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी जो चैरिटी है उसमें जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें 128 देशों को शामिल किया गया जिसमें भारत का स्थान है वह 82वां स्थान रहा है। पिछले एक दशक में भारत के औसत आंकड़े बताते हैं कि 34% लोगों ने अपरिचितों की मदद की एवं 24% ने पैसे दान किए हैं। दोस्तों 19% ने अपना समय दिया है। वहीं WGI के अनुसार म्यांमार, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है यह ऊपर टॉप में बने हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 16 अक्टूबर को अपने 2020 के ड्राफ्ट बजट में डिजिटल कंपनियों पर वेब टैक्स लागू किया है। ये दोस्तों इटली ने किया है। इटली ने 16 अक्टूबर को अपने जो 2020 का ड्राफ्ट बजट है उसमें वेब टैक्स को लागू कर दिया है जिसके बारे में जानते हैं। यानी जो भी सोशल साइट हैं, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गई और भी अन्य साइट हैं, उन सभी पर अभी वेब टैक्स लगना शुरू हो जाएगा जो 3% होगा। इटली ने दोस्तों 16 अक्टूबर को अपने 2020 के ड्राफ्ट बजट के रूप में अमेरिका की बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियों सहित डिजिटल कंपनियों पर नया टैक्स लगाया है और यह टैक्स अगले साल से जारी किया जाएगा जिसके अंतर्गत दोस्तों फेसबुक, गूगल, अमेजन जैसी कंपनियों को इंटरनेट ट्रांजैक्शन करने पर 3% टैक्स देना होगा। वहीं दोस्तों इस इतावली योजना से प्रति वर्ष लगभग 600 मिलियन यूरो का उत्पादन होने की उम्मीद है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है वह कहाँ पर किया गया है। तो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री। अब इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में जानते हैं, इंडो जापान जो एक्सरसाइज है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने एक संयुक्त सैन्य वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया है जिसका नाम शिन्यू मैत्री रखा गया है। दोस्तों ये नाम याद रखने का ये इंपॉर्टेंट है, जो 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक पनागार शहर पश्चिम बंगाल के वायुसेना स्टेशन में शुरू हुआ है। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना के विशेष परिचालन जो स्क्वाड्रन KC-130 और जे एयरक्राफ्ट और JASDF के टेक्निकल एयरलिफ्ट स्क्वाड्रन KC-130H अभ्यास में
भाग लेंगे। तो ये विमानों के नाम है, ये इस अभ्यास में भाग लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी वर्ल्ड स्टील के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो सज्जन जिंदल हैं जिन्हें वर्ल्ड स्टील के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो फोटो में दोस्तों आप सज्जन जिंदल को आप देख पा रहे हैं, ये हैं सज्जन जिंदल। तो इनके बारे में जानते हैं, तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी वर्ल्ड जो स्टील है उसने JSW स्टील के अध्यक्ष और MD यानी प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल को एक वर्ष के लिए एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। दोस्तों एसोसिएशन ने टाटा स्टील के CEO और MD TV नरेंद्रन और आर्सेलर मित्तल के प्रमुख एलन मित्तल को भी इसका सदस्य नियुक्त किया है। दोस्तों बोर्ड ने 14 सदस्यीय कार्यकारी समिति का चुनाव किया है जिसमें सज्जन जिंदल है, इन्हें दोस्तों वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स था। अब अगला जो क्वेश्चन है वह आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, किसने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन आपके पास है यूको बैंक, भारतीय डाक, बंधन बैंक और केनरा बैंक। तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वह राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यदि आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आपका श्योर सही होगा, तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें जिससे हमारा हौसला बढ़े और हमें और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस प्रकार के लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साइन है उस घंटे के साइन को भी आप जरूर दबा दें जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।